नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। देखिए संवाददाता रुपेश शर्मा की खास रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में सूबे के बड़े सियासतदानों की अग्नि परीक्षा होगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव सभी सियासी पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे इस चुनाव में जीतने के लिए हर पार्टी जो राजमाइश में लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन इस लिस्ट के जवाब में पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का नाम ना होना चौंका देने वाला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 2 महीने पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल किया गया है। कांग्रेस के अलावा इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना जोर लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के कई नेता इस चुनाव में प्रचार करेंगे। भाजपा भी इस चुनाव में जीत के लिए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रचार में उतारने जा रही है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के शुभारंभ होने के एक दिन बाद ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब में भाजपा चुनाव कमेटी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनसे सिसवा स्थित फार्म हाउस पर मुलाकात की। शेखावत के इस दौरे से स्पष्ट हो गया है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन की पार्टी और भाजपा का गठबंधन तय है। अब इसके औपचारिक घोषणा का इंतजार है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कैप्टन की मुलाकात के बाद कभी भी हो सकता है। बहरहाल चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग होगी और 27 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पिछली बार बीजेपी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 20 वोट में जीत हासिल की थी, कांग्रेस में 5 में कब्जा किया था, जबकि अकाली दल 1 वोट से ही जीता था। लेकिन इस बार कांग्रेस की कमान सिद्धू और चुन्नी के पास है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को पंजाब चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुन्नी और सिद्धू वाली कांग्रेस भाजपा के साथ गठबंधन में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के क्या नतीजे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 20 इंडिया। नमस्कार।